Hello students, welcome to Sapphire Science. Today class topic is chapter number 2, Microorganism, Friend and Foe. इस टॉपिक में हम microorganisms के बारे में जानेंगे और वो हमारे फ्रेंड और एनिमीज की तरह से किस तरह बिहेव करते हैं इस बारे में हम पढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो बच्चों, यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट सम आर देयर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि भी हम नॉर्मली उनको देख नहीं सकते. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. आगे देखो, यहाँ बताया गया है कि रेनी सीजन में आपने अगर ब्रेड को हम रख देते हैं किसी हॉट और ह्यूमिड जगह पे, तो वो स्पॉइल हो जाती है और उस पर हमें ग्रेइश वाइट पैच दिखाई देंगे. वो ग्रेइश वाइट पैच जो हैं वो किसके होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होते हैं. 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्टिविटी दिखाई गई 2.1 और 2.2. इसमें आपको क्या दिखाया गया है कि कोई मॉइस्ट सॉइल ले लेनी है आपकी. मॉइस्ट सॉइल मतलब नमी वाली कोई सॉइल ले लेनी है और उसको डिसॉल्व करना है वाटर के अंदर. और जब फिर वाटर की एक ड्रॉप को हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो उसमें बहुत छोटे छोटे टीनी ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सेकेंड एक्टिविटी भी सेम ही है कि आपने पॉन्ड वाटर ले लेना है और उसको एक ग्लास लाइट पर अगर स्प्रेड करके फिर ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें से अगेन आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे. तो बच्चों, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यहाँ पे देखो, दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सो स्मॉल इन साइज. एक मिनट. So small in size that we cannot see with unaided eyes. तो यहाँ पर उसकी definition होती है कि हम उसे unaided eyes के द्वारा without help of microscope के through नहीं देख पाते. उनको देखने के लिए हमें microscope की ज़रूरत पड़ेगी ही सही, इसीलिए हमने उसको क्या किया, micro organism. micro मतलब छोटे और organism मतलब जीव, छोटे से छोटे प्राणी जिन्हें हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, उनको हमने क्या कहा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू द फोर मेजर ग्रुप. इंस्टेड ऑफ फोर वी कैन से फाइव मेजर ग्रुप. फोर आर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कौन कौन से लिविंग होते हैं, एक तो बैक्टीरिया, एक फंजाई एंड प्रोटोजोआ और एल्गी. ये चारों जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं, जबकि पाँचवा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है. वो कब लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है, जब वो किसी ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है, तो वो ऑर्गेनिज्म बिहेव करता है होस्ट ऑर्गेनिज्म की तरह और उसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में वो ग्रो करने लगता है, रिप्रोड्यूस करता है उसकी सेल. यहाँ देखो लिख रखा है, ग्रो रिप्रोड्यूस करता है और फिर वो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म को क्या बना देता है, बीमार कर देता है, उसके बॉडी को डैमेज कर देता है. तो यहाँ पे कुछ डिजीज दिखाई गई हैं, एलिमेंट्स होते हैं. सम कॉमन एलिमेंट्स आर लाइक कोल्ड. एलिमेंट मतलब मीन्स डिजीज, एलिमेंट मीन्स डिजीज. इन्फ्लुएंजा, कॉमन कफ, कॉज्ड बाय द वायरस. वायरस के थ्रू कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, पोलियो, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सारी किसके थ्रू होती हैं, वायरस के थ्रू होती हैं. जबकि डिजीज लाइक डायसेंट्री, मलेरिया, प्रोटोजोआ के थ्रू होती हैं और टाइफाइड और ट्यूबरकुलिस जो होती हैं वो बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं. सी हेयर सम पिक्चर्स आर गिवन. दीज आर टू पिक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया. ये बच्चों बैक्टीरिया की जो है पिक्चर दिखाई गई हैं. ये बैक्टीरिया आपको रॉड शेप के, हमने पहली वाली क्लास में पढ़ रखा है, बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं, कोमा कोकस शेप के होते हैं. तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं और देखो नीचे जो दिखाई गई हैं,
ये दिखाया गया है आपको, ये है एल्गी। ये एल्गी होती है, ग्रीन कलर की होती है, और इसमें ये दो, एक तो ये क्लेमाइडोमोनास है और ये स्पायरोगायरा है। दूसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन सा है? अमीबा और पैरामीशियम। तीसरा है फंजाई। फंजाई देखो यहाँ पे कौन कौन सी हैं, एक तो है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड ब्रेड पे आपको दिखाई देगी, ये ब्रेड के ऊपर जब छोटी छोटी सी स्पोर से दिखाई देते हैं। पेंसिलिन है, पेंसिलिन के बारे में हम भी है, पेंसिलियम भी बोल देते हैं। पेंसिलिन जो के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे किस प्रकार से वो इसकी दवाई बनती है, एस्परजिलस भी है। और ये देखो पांचवा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है हमारा वायरस। नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं? तो बच्चों इसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, चाहे वो हॉट हो, ह्यूमिड हो, चाहे वो कोल्डेस्ट रीजन हो, एक्सट्रीम कोल्डेस्ट में भी वो सर्वाइव कर सकता है, एक्सट्रीम हॉट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। हमारी बॉडी के इनसाइड, हमारी बॉडी के आउटसाइड, इट मीन्स क्या हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, सब जगह क्या रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। अगला है देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। इसमें क्या बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल, कुछ कैसे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। वेर आर सम आर द हार्मफुल, कुछ होते हैं हार्मफुल होते हैं और कॉज डिजीज, तो उन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। आगे देखो यहाँ पे देखो क्या दिखा है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जो हमारे को किस बेनिफिट करेंगे, बेनिफिशियल जो होंगे जो हमारे लिए, उनको हम बोलते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एल्कोहल सिंस एजेस। देखो यहाँ पे लाइन बताई गई है कि जो एल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए बहुत समय से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता था। अब एक और कहाँ पे यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। कैसे वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, देखो यहाँ पे वो जो एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट को क्लीनिंग अप भी करते हैं, सफाई भी करते हैं उसकी। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिखाया गया है कि जो हमारे किचन के वेस्ट होते हैं, वेजिटेबल स्पील्स होते हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स होती हैं, फीसिस होती हैं, ब्रोकन डाउन द, फिर उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन टू इंटू द हार्मलेस एंड अनयूजेबल सब्सटेंस बाय द बैक्टीरिया। मतलब कि कहता है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंज कर देते हैं, और फिर वो जब चेंज हो जाते हैं तो वो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद में देखो मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, दूसरा बेनिफिट क्या हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कि जो कर्ड बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कर्ड में यूज़ होता है, तो वो है, इम्पोर्टेंट है ये, लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है, क्या है ये बच्चों, बैक्टीरिया, लैक्टोबेसिलस इसका नाम है। अब यहाँ पे लिख रखा है लैक्टोबेसिलस बैक्टीरियम, तो ये इसका नाम हुआ। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, बैक्टीरिया के रूप में आता है। किस में पाया जाता है, ये मिल्क में या कर्ड में पाया जाता है। बैक्टीरिया आल्सो इम्प्रूव द मेकिंग ऑफ द चीज़ बनाने में, पिकल बनाने में, अदर फूड आइटम जैसे कि ब्रेड वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ होता है, भटूरा बनाने में, इडली भटूरा जो हम बनाते हैं इसका यूज़ करते हैं, डोसा वगैरह बनाने में भी। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है कि यीस्ट ले लिया है। यीस्ट मतलब क्या होता है, एक प्रकार की फंगस होती है, यीस्ट पाउडर, उसको अगर हम पानी में, हॉट वाटर में थोड़ा सा डिजोल्व करके मैदा में थोड़ा सा
चीनी डाल करके उसको डालते हैं, तो कुछ समय बाद में उसका साइज़ है मैदा का जो डो बना दिया है हमने यीस्ट पाउडर के थ्रू, तो उसका डबल हो जाएगा। तो क्या किस कारण डबल हो जाता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस हो जाती है और उसका साइज़ जो है थोड़ा सा डबल हो जाता है। यहाँ पर लिख भी रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो कॉमर्शियल यूज़ क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, कि लार्ज स्केल पे हम कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके किस प्रकार से हम अपनी अपना इकोनॉमी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया देखो जो अभी हमने पढ़ा था कि अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। यीस्ट इज कॉमर्शियली यूज यीस्ट इज कॉमर्शली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। वाइन बनाने में, शराब बनाने में, एल्कोहल बनाने में, मेडिसिन बनाने में भी यीस्ट का यूज होता है। और शुगर केन जो होती है उसके अंदर भी जो होता है, पर्पज ऑफ द यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस। ये यहाँ पर यीस्ट इसका मतलब ग्रो होता है और उसको फिर किस में कन्वर्ट कर देता है, अगर हम उसको थोड़ी टाइम के लिए रख दें तो फिर वो अल्कोहल में चेंज कर देता है। यहाँ पे एक्टिविटी में यीस्ट की एक्टिविटी ही दिखाई गई है कि कैसे वो ग्रो करता है, कि हॉट वाटर में अगर थोड़ा सा यीस्ट पाउडर और थोड़ी शुगर डाल के आपने रखा तो वो ग्रो करने लग जाता है, वार्म कंडीशन में रख देंगे। फिर एक टर्म आती है फर्मेंटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्मेंटेशन क्या होता है, और ये साइंटिस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हैं लुईस पाश्चर, डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857 के अंदर इन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। फर्मेंटेशन होता क्या है, तो कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन बाय द यूज ऑफ द यीस्ट। यीस्ट के थ्रू अगर हम जो है कोई भी शुगर होगी उसको अगर अल्कोहल में चेंज कर दें, यीस्ट अपने आप उसमें ग्रो हो जाएगा, सड़ा देंगे उसको थोड़े समय के लिए। आपने गन्ने का अगर जूस रख दिया या अंगूर ग्रेप्स का जूस रख दिया और उसको हॉट ह्यूमिड जगह पर रखा, तो अपनी जगह अपने आप ही उसमें शुगर तो होती है, अपने आप ही उसमें यीस्ट ग्रो करने लग जाता है और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट कर देता है उसको, शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देता है। इसी प्रोसेस को उन्होंने क्या कहा, फर्मेंटेशन, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और किसने इसको इजाद किया था, लुईस पाश्चर ने। मेडिसिनल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट यूज आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज क्या होता है बच्चों, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, तो पेंसिलिन के बारे में अभी हमने पिक्चर देखी थी, तो पेंसिलिन जो है उसको हम कैप्सूल भी बनाते हैं और कुछ इंजेक्शन भी बना सकते हैं। ये एंटीबायोटिक की तरह यूज़ होती है, किसकी तरह, एंटीबायोटिक की तरह यूज़ होती है। और एंटीबायोटिक मीन्स जो और लिविंग जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं या हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हैं उनको ग्रो करने से रोकती हैं, ऐसी मेडिसिन को हमने क्या कहा, एंटीबायोटिक कहा। मेडिसिन डेट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। तो मेडिसिन डेट किल द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। कुछ दूसरी माइक्रो मेडिसिन भी हैं, वो क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सम आर द एंटीबायोटिक्स हैं ये। और ये किसके थ्रू बनती हैं, बैक्टीरिया और फंजाई के थ्रू। द यहाँ देखिए, द एंटीबायोटिक्स आर द मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू क्योर वेराइटी ऑफ डिजीज। कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बनती हैं और वो पर्टिकुलर डिजीज को ही
के लिए काम आती हैं। एंटीबायोटिक्स और दूसरा भी देखो, पोल्ट्री फॉर्म वगैरह लाइव स्टॉक में भी इसका यूज़ किया जाता है। लाइव स्टॉक मतलब जो डेयरी वगैरह के उद्योग होते हैं उसमें भी। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ द लाइव स्टॉक, यानी कि जो भैंस जो गाय भैंस पालते हैं उनमें या जो बकरी वगैरह पालते हैं पोल्ट्री फार्म में भी इसका यूज़ किया जाता है टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। माइक्रोबियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, बहुत सारी प्लांट डिजीज में भी इसका डिजीज को कंट्रोल करने में भी इसका यूज होता है। फिर यहाँ पे देखो एक दूसरे साइंटिस्ट थे, ये हैं इन 1929 को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग द कल्चर ऑफ द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। Suddenly he found the spore of a little green mold in one of the culture plate. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria from this the mold penicillin was prepared. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक लेबोरेटरी में क्या काम कर रहे थे, एक बैक्टीरिया पर मतलब कुछ रिसर्च कर रहे थे, कुछ प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे से ग्रीन कलर के मोल्ड जो है कल्चर प्लेट पे अपने आप ही ग्रो करने लगे हैं। तो उन्होंने जब उसे माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने क्या कहा, देखा कि द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि जो ये ग्रीन कलर के पैच थे उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फिर ध्यान से सुनो कि वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पर तो रिसर्च कर रहे थे, कुछ प्रैक्टिकल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ ग्रीन मोल्ड के पैच बन गए और उन्होंने जो उसकी ग्रोथ है बैक्टीरिया को रोक दी है। और उस जो उन्होंने उस मोल्ड को उन्होंने क्या नाम दिया, पेंसिलिन नाम दिया। पेंसिलिन जो है इस प्रकार से जो है पेंसिलिन की डिस्कवरी हुई और उन्होंने उसको, क्योंकि वो बैक्टीरिया को रोकने में काम आ रहा है इसलिए उन्होंने इसको क्या नाम दिया, एंटीबायोटिक। यहाँ पे फिर इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि भाई जो डॉक्टर होता है, हमें एंटीबायोटिक्स जो होते हैं क्योंकि क्वालिफाइड डॉक्टर के थ्रू लेते हैं, लेना चाहिए एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। और क्वालिफाइड डॉक्टर के थ्रू लेना चाहिए एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। और वी मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर, जो भी कोर्स देते जितने भी दिन की वो डोज देता है उसे कम्प्लीट करना चाहिए। और ना तो हमें एक्स्ट्रा लेनी चाहिए ना मेडिसिन थोड़ी कम लेनी चाहिए विदाउट द गिवन प्रेस्क्रिप्शन। जो भी प्रेस्क्रिप्शन में दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। फिर ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन द अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया, अगर हमने एक्स्ट्रा यूज़ ले लिया अननेसेसरी उसका यूज़ करते हैं तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को ही किल कर देगा। और हाउ एवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज बाई द वायरस। इसमें बताया गया है कि कोल्ड और फ्लू हमने पढ़ रखा था भी किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है। तो एंटीबायोटिक्स कोल्ड और फ्लू में यूज़ नहीं की जाती क्योंकि वो क्या होती हैं, एंटीबायोटिक होती हैं, बैक्टीरिया के ऊपर यूज़ करती हैं, यूज़ होता है उनका। अब आता है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, यहाँ पर ये पहली पूछ रही है कि छोटे छोटे बच्चों में उन्होंने सुन रखा है कि वैक्सीनेशन होता है तो क्यों होता है वैक्सीनेशन। तो व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेंटर। इन्वेंटर के प्रति उन्होंने क्या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है जो इन्वेंटर को मारती हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ द इट एंटर अगेन। If the dead and weakened microbes are introduced into the healthy body, the bodies fight and kill the invading bacteria by the producing antibodies. तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारी बॉडी में जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, ये यूज करते हैं इन्वेंटर, तो
हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, अपने आप एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और वो इन घुसपैठियों को मार देते हैं। तो अब जब एक बार हमारी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होगी तो हमारी बॉडी जो है वो उसको रिमेंबर, हमेशा के लिए रिमेंबर रखती है कि भी फिर कभी इन जो बाहर वाले बैक्टीरिया हैं वो हमारी बॉडी पर अटैक करेंगे तो वो कैसे प्रोड्यूस करेगी। तो सूटेबल माइक्रो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और फिर वो दोबारा अगेन हमें हमारी बॉडी की रक्षा करती है। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, एंटीबायोटिक जो होते हैं एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, वैक्सीन जो होते हैं, और फिर हम वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज हाउ टू वैक्सीन वर्क। इस प्रकार से वैक्सीन यूज होती है सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग द कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस आर प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। कोलेरा मतलब हैजा, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीवी, स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक, और हेपेटाइटिस मतलब पीलिया जो है वो वैक्सीनेशन के थ्रू ही प्रिवेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे अगेन एक साइंटिस्ट दिखाए गए हैं, इसकी पिक्चर बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी करी थी, वो थी क्या थी, वैक्सीन ऑफ द स्मॉल पॉक्स 1798 में उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी करी थी। पल्स पोलियो प्रोग्राम है, बचपन में जो है वैक्सीनेशन होता है, इसके बारे में आपने अच्छी तरह सुन रखा होगा। और वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू द इरिडिकेशन फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कुछ कैंपेन चलाए गए हैं, जैसे पहले बहुत बीमारियां चलती थी, जैसे किसी को स्मॉल पॉक्स हो गई या पोलियो का हो गया दो बूंद जिंदगी की, तो इस प्रकार से वर्ल्ड पोलियो से ही बहुत जनसंख्या हमारी तबाह मर रही थी, या स्मॉल पॉक्स चेचक वगैरह से, तो इनकी वैक्सीनेशन आई, मलेरिया से भी काफ़ी जनसंख्या को खतरा था, तो जब इनकी वैक्सीनेशन आ गई तो जो है काफ़ी सारे जनसंख्या को प्रिवेंट किया गया। सेम हियर, अब जैसे कोरोना है, कोरोना की वैक्सीनेशन आ जाएगी तो अब जो जनसंख्या तबाह हो रही है तो उसको भी हम बचा सकेंगे, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सबको। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, अब देखो, अभी हमने पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं। कैसे बनाते हैं वो, तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि हमने पढ़, वी नो दैट द राइजोबियम इज द एक बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूम, और इट एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट्स। उसको नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है और उसको फिर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन, प्लांट्स नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि नाइट्रोजन को डायरेक्टली प्लांट यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए कुछ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्राइट, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। उसके अलावा उनको हम कैसे कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं उनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये कुछ बैक्टीरिया दिखाए गए हैं, उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये फिक्सर का, नाइट्रोजन फिक्सर का काम करते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, हाउस होल्ड से जो भी हमारी हाउस से, गार्डन से जो भी वेस्ट निकलते हैं, किचन के वेस्ट निकलते हैं, या कोई एनिमल जब डेड हो जाता है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई मर जाता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करके, उनको रोटन कर करके उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं इस, और फिर कुछ समय बाद में वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीनिंग का काम भी करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू द, और उसमें मैन्योर में भी कन्वर्ट कर, मैन्योर भी बनाने में इसको हेल्प करते हैं।
यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई गई है कि यहाँ पे बूझो या सहेली दो पिट बनाते हैं छोटे छोटे ए और बी, और उसमें एक में किचन के वेस्ट डाले हुए हैं और एक में उन्होंने प्लास्टिक वगैरह का पेपर डाला हुआ है और उसे बंद कर दिया, गड्ढे को दबा दिया। और कुछ समय बाद देखा उन्होंने तो जो उन्होंने किचन के वेस्ट डाले थे, छिलके वगैरह डाले थे, तो वो तो छिलके तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट जो अपने आप ही ग्रो करने लगे और उन्होंने उसे सॉइल में कन्वर्ट कर दिया। यानी सॉइल भी मतलब कैसा, मैन्योर सॉइल जैसा क्या होता है काला काला, वो मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया, जबकि प्लास्टिक वगैरह में कन्वर्ट ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पैदा हुए, तो वो एज इट इज ही रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया कि माइक्रो, अभी तो हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारी हेल्प करते हैं, बेनिफिशियल है हमारे लिए। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को बार बार रीड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।